नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कमला देवी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाथवास, कोड नंबर 10653 भिवानी, कक्षा 5वीं। प्यारे बच्चों, आज हम गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। गणित में आज हम क्या पढ़ेंगे? आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम्हें प्यारे बच्चों कभी आकृतियों के बारे में सुना है? जैसे ये चित्र बना रखे गोलाई में, त्रिभुज आयताकार में, त्रिभुज में वर्गाकार में, बेलनाकार में और शंकुकार में। तो आज हम बोर्ड पर चित्र बनाकर फिर हम पढ़ेंगे। नंबर एक वृत्ताकार। वृत्ताकार कैसे होता है? गोलाई में क्या तुम्हें गोल चीज कभी देखी हुई है? गोल, गोल क्या होती है? गोल होती है जैसे फुटबॉल होगी, बॉल होगी, कोई तस्वीर भी गोल होता है, थाली भी गोल होती है, परात परात भी गोल होती है। तो ऐसे हम चीज देखेंगे। आयताकार, आयताकार क्या होता है? उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें आयताकार कहते हैं। क्या तुम्हें कभी त्रिभुज देखी है जिसे कोण बनते हैं? दो एक कोण लंबवत का दो कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज देखिए कभी। नंबर 4 वर्गाकार। क्या तुम्हें वर्गाकार का चित्र देखा है या वर्गाकार बनी हुई कोई भी चीज देखी हो उसकी चारों भुजाएं जो बराबर होती है उसे वर्गाकार कहते हैं। बेलनाकार, बेलनाकार देखा हो कि जब दोनों सुबह खाना बनाती है मम्मी, शाम को खाना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? बेलन, बेलनाकार। क्या तुम्हें पैन, पैन देखा है? पैन हो, पेंसिल हो, वह भी बेलनाकार में ही आते हैं। नंबर 6 शंकुआकार। शंकुआकार देखा हुआ कभी? ये टोपी नकली जो जोकर होते हैं वो टोपी ओढ़ते हैं। जन्मदिन जो हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसके जन्मदिन पर भी हम वो टोपी लेते हैं और ओढ़ते हैं बच्चे, उसे क्या कहते हैं? शंकुआकार। तो प्यारे बच्चों, आज हम आकृतियों के बारे में ये लेसन पढ़ा और कल हम ग्रह कार्य में आकृतियों का एक चित्र बनाकर लेकर आना है।